हेलो नमस्कार गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। गाइस इस बार जो है जॉनसन्स कंपनी की तरफ से न्यू रुकी रिक्वायरमेंट 2023 की निकल कर आ चुकी है, जिसमें कि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा वर्क आपका रहने वाला है। जो भी फ्रेंड्स अगर लिफ्ट एंड एस्केलेटर जो कि मैनुफैक्चरिंग में काम करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए जो है काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो है बल्क में वैकेंसी निकाली गई है और जो है काफ़ी अच्छी आपको इसके अंदर सैलरी भी देखने को मिलेगी, प्लस कैंटीन रूम फूड और भी कई इन प्रकार की सुविधाएं से लेकर कई जो कि ओवर टाइम भी काफ़ी अच्छा इस कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी फ्रेंड्स अगर डिप्लोमा ITI होल्डर हैं तो उन लोगों के लिए जो है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सभी कैंडिडेट जो है इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो के डिटेल्स में हम आपको बताएंगे कि इस कंपनी के अंदर क्या काम होता है, कैसे आप सभी लोगों को इसके अंदर जॉब मिलेगी, कैसे आपको जो है आवेदन करना है। तो वीडियो जो है आप लोग डिटेल्स बाय डिटेल्स देखिएगा, फुली डिटेल्स में देखने के बाद ही जो है आप लोग इसमें आवेदन कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा और फरीदाबाद में जॉब सर्च कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी होने वाली है। चलिए अब इसके डिटेल्स की तरफ चल लेते हैं कि इसके अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकेगा। तो फ्रेशर हों या एक्सपीरियंस, दोनों तरह के कैंडिडेट के लिए इसमें एलिजिबिलिटी है, दोनों तरह के कैंडिडेट जो है आवेदन कर पाएंगे। एज आपकी जो है 18 to 25 ईयर्स तक के ही जो है इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। पोस्ट एंड डिपार्टमेंट आपका ITI ट्रेनिंग पे भी रहेगा, डिप्लोमा वालों का भी दोस्तों ट्रेनिंग पे ही दोनों लोगों के डिपार्टमेंट रहने वाला है वर्क। और ये आपको गाइडलाइन काफ़ी अच्छे से पढ़ लेनी है, बिल्कुल भी इसको बिल्कुल जो है स्किप नहीं करना है। क्वालिफिकेशन भी आपको काफ़ी अच्छे से देख लेनी है, जैसे कि ITI में अगर आप इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, जो कि इन सभी से अगर आप लोग पास आउट हैं ITI में तो आप सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आप डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से पास आउट हैं तो भी जो है आप लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। इन्हीं ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं गाइस। सैलरी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने थंबनेल पर भी लगाया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ITI की जो ट्रेनिंग की जो पोस्ट पे आपकी जो वर्क रहेगा स्टार्टिंग में सभी कंपनी में दोस्तों ट्रेनिंग पे ही आप लोगों को जो है रखा जाता है। स्टिपेंड जो सैलरी आपकी फर्स्ट 3 मंथ के अंदर जो रहेगी 10,250 रुपीज़ पर मंथ आपकी रहेगी, प्लस कन्वेंस भी आपको इसमें है। एंड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 3 मंथ्स उसके बाद स्टिपेंड इंक्रीज आपका हो जाएगा, जो कि 12,250 रुपये पर मंथ आपका रहेगा, प्लस कन्वेंस भी रहेगा। तो काफ़ी अच्छी जो दोस्तों जो है आपको सैलरी इसके अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद में आपकी जो है इंक्रीज भी इसके अंदर सैलरी हो जाएगी। अब डिप्लोमा होल्डर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको इस वैसा ही सेम प्रोसेस है, फर्स्ट 3 मंथ के अंदर आपको 11,000 मिलेंगे, उसके बाद 3 मंथ्स के बाद में 13,000 पर मंथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग नोएडा में, हरियाणा, फरीदाबाद के अंदर जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप लोग की जो है काफ़ी अच्छी सैलरी होने वाली है और काफ़ी अच्छी कंपनी पर रहने वाली है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अप्लाई कीजिएगा और वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट बेरोजगार हैं उन तक वीडियो पहुँच सके, वो भी जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकें। अब बात कर लेते हैं इसके अदर बेनिफिट के। तो ओवर टाइम एज पर कंपनी जो कि प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, नेट अलाउंस प्लस सैलरी इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छी होती है। बात कर लेते हैं अदर बेनिफिट की, तो PFSI की सुविधा है, प्लस जो अदर बेनिफिट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं जो कि थंबनेल पर, जैसे कैंटीन, रूम, फूड, जो भी चीज़ें फैसिलिटीज कंपनी के अंदर अवेलेबल होंगी सभी चीज़ें आपको भी कंपनी की तरफ से जो है प्रोवाइड की जाएंगी। बात कर लेते हैं अदर बेनिफिट की, तो ये सभी प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाने हैं, लेकिन ध्यान रखें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी व्यंजन व्यक्ति को ना दें, ना ही किसी को जमा करें। कैंडिडेट का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य है, प्लस वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर जाना आप लोगों का अनिवार्य है। इंटरव्यू डिटेल्स की बात कर लेते हैं, तो डेट आपकी 26 जो कि सितंबर रहने वाली है, एक ही दिन इसके अंदर इंटरव्यू चलेंगे, टाइम आपका 10 बजे रहेगा। वेन्यू की बात कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट ITI जो कि किसनी, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के अंदर ये पढ़ने वाली है। तो जो भी फ्रेंड्स अगर मैनपुरी से बिलोंग करते हैं, किसनी से और गोगांव से, उन लोगों के लिए जो है काफ़ी पास में वैकेंसी होने वाली है, आप सभी कैंडिडेट इसके अंदर डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकेंगे। प्लस जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही आपके शहर की न्यू जॉब्स वैकेंसी आती है आप लोग तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके और आप लोग भी जो है उसके अंदर अप्लाई कर सकें। कंपनी लोकेशन आपकी अलग अलग है, नोएडा भी रहने वाली है, सोनीपत में भी, प्लस फरीदाबाद एंड देहरादून, इन सभी अलग अलग लोकेशन पर दोस्तों आपकी लोकेशन रहेगी। एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट जहाँ पर वैकेंट सीट होगी, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर जो है आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। जब आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो मास्क अवश्य लगाकर जाएं, प्लस COVID-19 का सर्टिफिकेट लेकर जाएं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू से होगा और कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताने से पहले आपको बता दूं कि कृपया किसी भी को जॉब के लिए पैसे वगैरह ना दें, ना ही OTP कोई पासवर्ड शेयर करें और हमेशा कन्फर्म करने के बाद ही जाएं, कभी भी दोस्तों विदाउट कन्फर्म किए बिल्कुल भी ना जाएं। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, चलिए सॉरी थोड़ा मैं आपको जूम करके देता हूँ। ये 15 तारीख नोटिफिकेशन, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी आपको दोस्तों जानकारी चाहिए तो आप लोग कार्यालय जो कि आराम से इसकी किसनी मैनपुरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप लोग विजिट करेंगे तो इसमें आप लोग डिटेल्स में ये नोटिफिकेशन पढ़ सकेंगे गाइस। तो आई होप आप सभी लोगों को फ्रेंड्स वीडियो समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे, कैसे दोस्तों क्या प्रोसेस रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।